आजमा की माता जी ने दोस्तों आते ही अब लगा दी है मुनव्वर की क्लास और एक बड़ी बात बोली थी। आइए आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिरकार आजमा की माता जी ने क्या बोली बात। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है अब तो कर लो कम से कम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है RAHULBHOJ। तो दोस्तों आजमा फल्ला की माता जी, जैसा कि हम सबको पता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रंगत बटोरी है लॉकअप के घर में और उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को फीडबैक दिया। आजमा की माता जी बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लक्की है इन नेचर और उन्होंने जो है दर्शकों के साथ तो इंटरेक्ट किया ही, साथ ही साथ घर के कैदियों के साथ भी इंटरेक्ट किया। अब आंटी जी जो है कच्चा बादाम करते हुए नजर आई थी। जी हाँ, अगर आजमा की माता जी की बात करें दोस्तों तो आजमा की माता जी कच्चा बादाम करते हुए नजर आई थी और उन्होंने यहाँ पर मुनव्वर को सीधा पकड़ लिया। मुनव्वर को पकड़ते हुए उन्होंने एक बड़ी बात बोली और बोला कि यार भाई तुमको है ना ये कच्चा बादाम टाइप्स का गाने में डांस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अभद्र लगता है तुमको, तुम पर ये चीज़ें जचती नहीं है मुनव्वर। जी हाँ, मुनव्वर ने जब ये बात सुनी तो दोस्तों वहाँ पे पायल मौजूद थी, वहाँ पे आजमा मौजूद थी, वहाँ पे जो है शिवम शर्मा मौजूद थे और ये तीनों तो हंसे, वहीं मुनव्वर का मुंह बन गया। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर यहाँ पर बोलते नहीं नहीं आंटी जी ऐसा नहीं है, ये जो है ये मैं पहले का जो हफ्ता था उसमें था और इस वजह से जो है मैंने उसके साथ डांस किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आंटी कहती है वो स्टेप है ये, वो पीछे मटकने वाला, वो मज़ा नहीं है, वो उसमें तुम जो है अच्छे नहीं लगते हो, उसमें लड़की करे ही तो अच्छी लगती है। तो मुनव्वर फारूकी को आज के दिन दोस्तों ऑनेस्ट फीडबैक भी मिला और साथ ही साथ ये सारी बातें देखने को मिली। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या है कहना, मुझे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर जानकारी दें। और दोस्तों मैंने आपको हर एक बात बताई है सेट से, जो जो अपडेट आई है हर एक चीज़ का आपको अंदाजन, सारी बातें जैसे ही मेरे गुप्तचरों ने बताई थी वैसी ही सारी बातें आपको बताई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे झटपट ये बातें बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।